Hello everyone. In this video, we will discuss about the plastics of the chapter synthetic fiber and plastics. तो हमने synthetic fiber जब पिछली वीडियो में पढ़ा था तो हमने ये बताया था कि synthetic fiber एक तरीके का polymer है जो कि बहुत सारे parts से बहुत सारी units से मिलके बना है, मतलब monomer से मिलके बना है. तो plastic भी एक तरीके का क्या है? Polymer ही है, जिस तरीके से synthetic fiber था. तो अब जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं, they do not have same type of arrangement of units. उनकी एक ही तरीके की अरेंजमेंट नहीं होती है. किसी किसी में क्या होता है, लीनियर होता है ये, और कभी कभी क्या होता है, ये क्रॉस लिंक्ड होता है. दिस वी विल डिस्कस. तो प्लास्टिक के मटेरियल अगर हम देखते हैं तो आपने बहुत सारी, आपके घर में यूजेस होते होंगे प्लास्टिक के, बहुत सारी पॉसिबल शेप्स में और साइजेस में ये अवेलेबल होते हैं प्लास्टिक के आर्टिकल्स. फैक्ट क्या होता है प्लास्टिक का, ये आसानी से मोल्ड हो सकता है. किसी भी फॉर्म में इसको हम, किसी भी शेप में हम इसको ला सकते हैं. प्लास्टिक को दोबारा से रिसाइकिल भी किया जा सकता है, मतलब दोबारा से न्यू भी बनाया जा सकता है. दोबारा से हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं, मतलब जैसे अगर हम बॉटल्स में, हमारे घर में मार्केट से कुछ आ रहा है तो हम फिर उस बॉटल को दोबारा से भी यूज कर सकते हैं. ये दोबारा से कलर भी हो सकता है, मेल्ट भी हो सकता है और रोल्ड भी हो सकता है शीट्स में, और हम इनके वायर्स भी बना सकते हैं. तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं प्लास्टिक के, दैट वी विल डिस्कस. टाइप्स होते हैं दो प्लास्टिक्स के. फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं और दूसरे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं. देखिए क्या होते हैं ये थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स. आपने देखा होगा अगर आप किसी बॉटल में हॉट वाटर रख देते हैं, हल्की बॉटल है प्लास्टिक की, उसके अंदर अगर हम हॉट वाटर को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वो डीफॉर्म्ड हो जाएगी, है ना. तो ऐसे प्लास्टिक जो हीट करने पर डीफॉर्म्ड हो जाते हैं, अपनी शेप को बदल देते हैं और बेंड हो जाते हैं आसानी से, ऐसे प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स. तो इसके एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक के, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी, ये एग्जाम्पल है. कॉम्ब भी आपने देखा होगा अगर हम उसको मोड़ते हैं तो वो थोड़ा मुड़ जाता है. ट्वाइज होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि इस थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं. तो थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं, ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो कि डीफॉर्म्ड हो सकते हैं हीटिंग करने पर और बेंड हो सकते हैं आसानी से. पॉलीथीन और पीवीसी ये दोनों एग्जाम्पल्स होते हैं इनके. वायर्स वगैरह जो होते हैं बनाए जाते हैं इनसे, पीवीसी से, पॉलीथीन से, ताकि वो बेंड हो जाते हैं. देखा होगा आपने जो ऊपर की कवरिंग होती है वो किसकी होती है, पीवीसी की होती है बनी हुई. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ये प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं कि अगर इनको हमने एक बार मोल्ड कर दिया तो ये हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होते हैं. बहुत सारे आपके घर में ऐसे यूटेंसिल्स होंगे जिनको हम गर्म कर लेते हैं और हीट कर लेते हैं तो वो अपनी शेप नहीं बदलते, उसी शेप में रहते हैं. तो ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. दो एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, बेकलाइट और मेलामाइन. जो बेकलाइट होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक, वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है. कोई हीट उसमें, कोई इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट नहीं हो सकती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. तो इलेक्ट्रिकल के जो स्विचेस होते हैं वो बनाने में यूज किया जाता है ये बेकलाइट, इसीलिए किया जाता है ताकि वो कोई हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर पाए. जो यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं उनको भी बेकलाइट के लिए, बेकलाइट ही यूज किया जाता है उससे बनाने के लिए. मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटीरियल है, मेलामाइन जो है वो फ्लोर टाइल्स बनाने में या किचन के जो वेयर्स होते हैं, जो मटीरियल्स होते हैं उसको बनाने में मेलामाइन का भी यूज किया जाता है. तो ये बहुत अच्छा प्लास्टिक माना जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, क्योंकि इट रेजिस्ट्स फायर एंड कैन टॉलरेट हीट, और हीट को टॉलरेट कर सकता है एज कंपैरिजन टू अदर प्लास्टिक्स. तो ये फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर बनाने में, फैब्रिक्स बनाने में यूज किया जाता है जो कि फायर से रेजिस्ट रहते हैं. सो दीज आर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, बेकलाइट एंड मेलामाइन. अब बहुत सारे हमारे घर में यूज होता है प्लास्टिक, यूजफुल भी है, लेकिन जो मटेरियल, जो प्लास्टिक है एज मटेरियल ऑफ चॉइस, हम आज के जमाने में ये सोचते हैं कि जो हम फूड मटेरियल किसी भी
कंटेनर में रख रहे हैं या हम वाटर किसी बॉटल में रख रहे हैं, पिकल्स हम किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रख रहे हैं या हम ड्राई फ्रूट को रख रहे हैं, तो हम मानते हैं कि प्लास्टिक कंटेनर कन्वीनियंट है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसका लाइट वेट है, कम प्राइस का भी है, अच्छी उसकी स्ट्रेंथ भी होती है, आसानी से हम उसको हैंडल भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ये लाइटर भी होता है अगर हम मेटल के अकॉर्डिंग देखें, मेटल से अगर कोई चीज़ बनी हुई है, मान लीजिए कोई एल्युमिनियम से बना हुआ है, तो ये प्लास्टिक इन कंपैरिजन टू मेटल्स बहुत लाइट होता है। तो प्लास्टिक्स को कार्स बनाने में, एयरक्राफ्ट्स बनाने में, स्पेसक्राफ्ट्स बनाने में भी यूज किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं हमारे घर में जो कि हम एंडलेस मटेरियल है, बहुत सारे जैसे स्लीपर्स हैं, फर्नीचर है, डेकोरेशन पीसेस हैं, ये सब हम बनाने में, इन सब को बनाने में यूज किया जाता है प्लास्टिक्स का, बहुत यूजफुल मटेरियल है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्लास्टिक की? सबसे पहला तो ये नॉन रिएक्टिव होता है। आपने देखा होगा घर में अपने जो आपके स्विचेस होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, अभी बताया हमने। क्यों होते हैं? ताकि वो कोई रिएक्शन ना कर पाए, ठीक, उसके कॉन्टैक्ट में कोई जब इलेक्ट्रिसिटी आए या हीट आए तो वो कंडक्ट ना कर पाए। तो ना तो ये वाटर से कंडक्ट करते हैं, ना ये एयर से कंडक्ट करते हैं। आपने देखा भी होगा अगर हम किसी आयरन की रॉड को मॉइस्चर या एयर में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर जंग आ जाता है, रस्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम वही ऐसी कोई चीज प्लास्टिक की बनी हुई पानी में रख देते हैं या हम एयर में रख देते हैं तो वो कोरोड नहीं होती है। तो इसलिए ये जो मटेरियल्स होते हैं, कुछ मटेरियल्स हम प्लास्टिक के कंटेनर में रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं कर पाते मॉइस्चर के साथ और एयर के साथ, ठीक। आप नेक्स्ट बताया कि ये लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं, तो इसकी वजह से इसको हम मोल्ड कर सकते हैं अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग पर्पसेस में यूज भी किया जाता है। ये सस्ता होता है और मटेरियल के मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत सस्ता होता है, और जो हाउस होल्ड मटीरियल्स होते हैं उनको बनाने में प्लास्टिक्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, कोई हीट कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं ये प्लास्टिक्स, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं या स्विचेस होते हैं घर में उनको बनाने में यूज किया जाता है, और जो हमारे घर में यूटेंसिल्स होते हैं, फ्राइंग पैन्स के हैंडल्स होते हैं, उनको भी ये प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है उसको बनाने में। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक्स। प्लास्टिक हमारे लिए अच्छे तो हैं लेकिन हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा ये नुकसानदायक भी है। आज के जमाने में हम बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल्स देखते हैं हर जगह, और हमें प्लास्टिक गार्बेज में भी मिलता है। तो दो तरीके के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमने आज तक देखे हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के एक्शन से सड़ सकते हैं, मतलब डिकम्पोज हो सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि आपके घर का पील्स होते हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स होती हैं, पेपर होता है या एग के की शेल्स होती हैं, तो वो आसानी से डिकम्पोज हो सकती हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस, मतलब बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वो कहलाए जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। जैसे कि प्लास्टिक की आपके घर में स्लीपर्स होती हैं या प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, ये सालों साल तक ऐसे ही रहती हैं, और अगर जब कोई भी यहाँ पे कोई फायर वगैरह लगती है तो क्या होता है, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। तो प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक भी है। तो ये इस तरीके के वेस्ट होते हैं ये आपके, अगर हम देखें तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे हमारा पील्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं, हमारे लेफ्ट ओवर फूड स्टफ होता है, ये एक से दो वीक में ये लेता है ये सड़ने में, डिकम्पोज हो सकता है, और पेपर जो होता है वो 10 to 30 days लेता है, और कॉटन क्लोथ्स अगर हम देखें तो वो 2 to 5 months ले लेता है डिग्रेड होने के लिए, वुड अगर हम देखें तो 10 to 15 years ले लेता है, तो दैट इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल, हो सकता है वो बायोडिग्रेडेबल। वूलन क्लोथ्स कम से कम 1 साल ले लेते हैं बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज होने में,
लेकिन ये जो मेटल्स होती हैं जितनी टिन है, एल्यूमिनियम है और अदर मेटल कैंस हैं, ये 100 से 500 ईयर्स डिकम्पोज, जो टिन होते हैं, एल्यूमिनियम और अदर मेटल कैंस, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा गया है। उसके बाद है प्लास्टिक बैग्स, ये बहुत साल ले लेते हैं, तो इसलिए इनको भी नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। सो दीज आर द टाइप ऑफ वेस्ट, ये उसके कुछ वीक्स दिए हुए हैं और ये मटेरियल्स दिए हुए हैं कि इस तरीके से ये बायोडिग्रेडेबल होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उसके बाद प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान तो पहुंचाएगा ही प्लास्टिक, क्योंकि ये बहुत साल ले लेता है डिकम्पोज होने के लिए, तो इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है ये, इट कॉजेज एनवायरमेंट पोल्यूशन। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली, आसानी पूरी तरीके से कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है ये, बहुत सारे फ्यूम्स को रिलीज करता है एटमोसफियर में और एयर पोल्यूशन करता है ये प्लास्टिक। अब बात आती है कि हम किस तरीके से इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल दिस पोल्यूशन। तो जितनी भी प्लास्टिक्स यूज करते हैं हम, उनको अवॉइड कर देना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। प्लास्टिक्स का ना यूज करके हम बैग्स का यूज करें, जैसे कि कॉटन का बना हुआ हो या जूट का बना हुआ हो, वो हम शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आज के जमाने में क्या है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी है, बाहर आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर के बैंस रख दिए जाते हैं और एक बिन्स रख दिए जाते हैं और ब्लू कलर के बिन्स रख दिए गए हैं। तो बायोडिग्रेडेबल जो ग्रीन वाला है, बायोडिग्रेडेबल उसके अंदर कलेक्ट होता है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो ब्लू वाले में होता है, तो सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है और डिस्पोज ऑफ किया जाता है अलग अलग दोनों का। तो ये बेटर होता है टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, हम दोबारा से ये बेटर है कि हम दोबारा से उस प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करें। बहुत सारे ऐसे थर्मोप्लास्टिक्स हैं अभी हमने पढ़ा था, जो कि दोबारा से रीमोल्ड हो सकते हैं, दोबारा से बन सकते हैं, तो हम उनको दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, सोचिएगा ऐसे कुछ आइटम्स जो कि दोबारा से रिसाइकल हो सकते हैं। तो जब हम कोई किसी भी चीज को रिसाइकल करते हैं, इन प्लास्टिक्स की जब हम रिसाइकलिंग करते हैं, तो बहुत सारे कलरिंग एजेंट्स इसमें डालने पड़ते हैं। दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, और ये किस लिए किया जाता है, जो हम फूड स्टोर करते हैं, अगर कलरिंग वाला होता है तो जनरली क्या क्या कहा जाता है कि अगर प्लास्टिक जो है वो कलर वाला, पॉलीथीन जैसे आती हैं कलरफुल, तो हम ये कहते हैं कि उस पॉलीथीन में ज़्यादा फूड स्टोर देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो कलर है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रिएक्शन कर लेते हैं उस फूड के साथ, एंड इट इज़ वेरी पॉइजनस फॉर अस। आफ्टर दैट इसके कुछ 5 RS हैं, अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो हमें ये 5R प्रिंसिपल याद होने चाहिए। क्या है, रिड्यूस का मतलब हमें प्लास्टिक का यूज कम कर देना चाहिए और हमें उसकी जगह जूट और कॉटन के बैग्स या पॉलीथीन्स यूज करनी चाहिए। रीयूज, हम दोबारा से उसको जो हमने यूज किया है प्लास्टिक मटेरियल, उसको हम बजाय उसको फेंकने के, हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, कुछ और चीज हम उसके अंदर रख सकते हैं। रिसाइकिल, जो प्लास्टिक दोबारा मोल्ड हो सकते हैं हम उसको दोबारा से मोल्ड करवा सकते हैं। रिकवर, जो रिकवर हो सकते हैं, जो ठीक हो सकते हैं, हम उसको ठीक करवा सकते हैं। एंड देन रिफ्यूज, हम उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। तो ये सारी हैबिट आसानी से हमें, अगर हमने ये सारी हैबिट्स, ये पांचों हैबिट्स अपना ली, 5 RS अपने हमने अपना लिए, तो ये हमारे लिए एनवायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली हो जाएगा। सो दीज आर द 5R कंसेप्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, सिंथेटिक फाइबर इन प्लास्टिक्स। थैंक यू।